हेलो गाइस, इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं कि जैसे कि हम रेडबस मोबाइल एप्लीकेशन से बस टिकट को बुक करते हैं तो उसके बाद हमको बस डिटेल्स कैसे पता चलेगी कि बस का नंबर क्या है और जो उसका ड्राइवर है या कंडक्टर है उसका मोबाइल नंबर क्या है, ताकि हम लोग उसके बारे में पूछ सकें कि बस कब तक आएगी या जो बस का नंबर है वो आप कैसे पता कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि आप किस तरीके से यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, मैं यहाँ पर अभी रिसेंटली उज्जैन से झांसी आया हुआ था, देख सकते कि 20 आज है 22, ठीक है, मतलब दो दिन पहले ही मैं यहाँ पर उज्जैन से झांसी आया हुआ था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरा दिया हुआ है, टिकट डिटेल्स पर मैं क्लिक करूँगा तो ये दिया हुआ है कि यहाँ पर शाम को 6 बजे मेरा वहाँ से डिपार्चर था और यहाँ पर 2:30 पर झांसी में पहुँच गया था, ठीक है, 20 दिसंबर को। और यह मेरा जो सीट नंबर था वो L3 था और यहाँ पर जो पेमेंट मेरा दिया हुआ था 967.50 दिया हुआ था, ठीक है। तो ये इतना सारा डिटेल्स दिया हुआ है। अब दोस्तों, इसके बारे में जब मैंने ये टिकट को बुक किया हुआ था तब मुझे बस का डिटेल या कंडक्टर का डिटेल वो सब नहीं आया था, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर 20 तारीख को ही, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5:02 PM पर शाम को मुझे यहाँ पर डिटेल आ चुका था कि डियर पैसेंजर, बस जर्नी डिटेल्स फ्रॉम उज्जैन टू झांसी ऑन 20 दिसंबर, RPNR नंबर इतना दिया हुआ था, सीट नंबर L3, बुक बोर्डिंग सिटी लिंक ट्रेवल्स देवास गेट, ठीक है, ये आ चुका था मुझे कि उज्जैन में आपको कहाँ पर जाना है, सिटी लिंक ट्रेवल्स देवास गेट पर। और बस नंबर देख सकते हैं कि दोस्तों, यहाँ पर ये बस नंबर भी आ चुका था, ठीक है, ये दिया हुआ है बस नंबर MP07P4077, ये बस नंबर यहाँ पर आ चुका था। एंड ड्राइवर डिटेल्स, तो ड्राइवर डिटेल्स का ये नंबर आ चुका था, पीताम्बरा ऑफिस का ये नंबर आ चुका था, और जो गणपत ड्राइवर है, जो ड्राइवर है उसका नंबर भी ये आ चुका था, ताकि आप नंबर पर कॉल करके उससे पूछ सकें, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बस नंबर भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, प्लस का यहाँ पर ड्राइवर का भी डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाता है, प्लस का जो ऑफिस का नंबर है वो भी आपको यहाँ पर मैसेज में आ जाता है। तो ये अक्सर ऐसा ही होता है कि जब आप बुकिंग करते हैं तो आपका कंफर्मेशन तो आ जाता है कि आपकी बुकिंग हो चुकी है, लेकिन बस का डिटेल प्लस का उनका जो नंबर है ड्राइवर वगैरह के, वो उसी दिन आता है आपको, ठीक है, जिस दिन आप ट्रेवल डेट होती है, जैसे कि 20 को है तो आपको 20 को ही आएगा, उसके पहले आपको इस तरीके के मैसेज आएंगे रेड बस से कि आपका जो अपकमिंग ट्रिप है वो 6 PM से है, आपको कहाँ पर जाना है, लेकिन बस का नंबर और ड्राइवर का नंबर आपको उसी दिन आता है, ठीक है। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि अगर आप यहाँ पर बस नंबर ढूंढ रहे हैं तो आपको बस नंबर मिलेगा केवल उसी दिन जिस दिन आपकी जर्नी स्टार्ट होगी, ठीक है। सो गाइस, इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए रखें अपना बहुत सारा ध्यान, थैंक यू।